हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बहुत दिन बाद एक नया व्लॉग आ रहा है, उसके लिए तो सॉरी, बट ये व्लॉग मैं बोलूँगा ज़्यादा कुछ खाने के रिलेटेड नहीं रहेगा, बट सिर्फ ट्रैवलिंग जो है वो बताने वाला हूँ मैं, और कहाँ जा रहा हूँ वो आपको आगे रास्ते में पता चलेगा। फ़िलहाल तो बज रहे हैं 4:40 हो रहा है, और ये देखिए, ये एमट्रैक के स्टेशन पे हूँ मैं, और ट्रेन से जाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम एमट्रैक में ट्रैवल करने वाला हूँ, और ये आइस कॉफ़ी ले आओ, बहुत प्यास लग रही थी, धूप भी बहुत है, टेम्परेचर चल रहा है 97 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बोले तो, अभी तो पता नहीं मुझे, बट स्टे ट्यून, बताओगा कहाँ जा रहा हूँ, कैसा जा रहा हूँ, क्या मज़ा आ रहा है, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा एमट्रैक में, सब शेयर करूँगा। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं गेटवे स्टेशन पर, जहाँ से मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। और स्टेशन पर इतना कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, तो कुछ बता रही हूँ, छोटा सी स्टेशन है, और जहाँ से मुझे बोर्डिंग करना है वो गेट बंद है अभी, तो वहाँ पर भी कुछ शूट नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत अभी ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली थी तो उठा लिया हूँ मैंने, जैसे कार म्यूज़ियम के बारे में डिटेल्स है, यहाँ पर एक फार्म है, सोच रहा हूँ विज़िट करूँ, क्योंकि जो मुझे पर्सनली पहचानता है सबको पता है भाई, जहाँ पर जानवर लोग रह गए भाई, आई हैव इंटरेस्ट। दूसरी बात, यहाँ का एक मैप मिला है तो जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में भी मेंशन किया है, तो देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा तब जाएंगे। और जैसे अभी बोर्डिंग चालू होती है मैं बताता हूँ, फिर देखते हैं। चलो तो भाई लोग, पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम पड़ा कि सेंट लुइस लाइब्रेरी जो है फ्री टूर ऑफर करती है मंडेज एंड सैटरडेज को, जाना तो पड़ेगा भाई, देखते हैं। और मुझे आज मालूम पड़ा कि सेंट लुइस इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर, देखना पड़ेगा यार, यहाँ मैं 8-9 महीने से रह रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। और इतनी कॉफ़ी चल रही है भाई, कॉफ़ी से तो बहुत सहारा मिला है भाई, सही बोलूँ तो कल शाम में जो मैंने अफ्तारी किया हूँ, कल शाम में रोज़ा खोला हूँ मैंने कुछ 8:30 बजे के टाइम पे। रोज़ा खोलने के बाद ये चीज़ है जो मैं प्रॉपर पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, जो भी बोल सकते, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, इससे अच्छा रोज़ा ही रख लिया रहता तो वो अच्छा पड़ता था, लेकिन क्या करेंगे भाई, चल रही है कॉफ़ी अभी, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में कैफे भी है ये चीज़ मालूम पड़ी है, देखेंगे क्या खाने मिलता है, जैसा है जो भी है बताऊंगा। और ये व्लॉग की खास बात मैं एक हाईलाइट करूंगा कि भाई ये व्लॉग जो है मैं एकदम रॉ रखने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे बोले थे कि भाई म्यूज़िक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रॉपर से, तो देखो भाई मेरे पास कुछ इतना अच्छा गैजेट वगैरह है नहीं कि भाई मैं प्रॉपर माइक लगा के व्लॉग कर रहा हूँ या कुछ ऐसा वैसा, जैसा भी है मैं थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट करता हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। ऑलमोस्ट पिछले 2-2.5 महीने से कुछ वीडियोस आया नहीं है, मैं बीच में ट्रैवल किया था, टेक्सास वगैरह गया था, न्यूयॉर्क गया था, तब मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो सब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला हूँ, रील्स वगैरह पे, यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला, तो जिसने नहीं देखा है वो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखे, मैं इंस्टाग्राम भी डाल देता हूँ वीडियो में। चलो मिलते हैं सीधा ट्रेन बोर्डिंग के टाइम पे। ट्रेन का अनाउंसमेंट अब भी हुआ है और सब लोग स्टेशन पर जा रहे हैं, भाई इतनी सीधी लाइन, अरे बाप रे इतनी सीधी लाइन, स्कूल की पिकनिक में भी कभी इतनी सीधी लाइन में नहीं चले रह गए, जितना इज्जत से और सिस्टमेटिकली पब्लिक जा रही है, ये देखो भाई, ये देखो, कुछ धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कितने साल लगेंगे दादर स्टेशन को ऐसा बनने में भाई, कितने,
पब्लिक, आ गए हम लोग ट्रेन में। ट्रेन का फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा लगा, सीट्स अच्छी कंफर्टेबल है, देख सकते हो तुम लोग, ये देखो भाई मस्त सीट्स है, विंडो भी बहुत अच्छी है। अभी बताऊंगा मैं ट्रेन के बारे में भी सब बताऊंगा कि क्या है, कैसा है, कितना अमाउंट है, प्राइस है, सब बताऊंगा। उसके बाद भाई सही बोलूँ तो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा कि जो प्राइस में मेरे को ये टिकट मिली है बेस्ट। ट्रेन चालू होगी तो जाके कैफ़े भी देखना है कि भाई एक मिनट बंद हो जाए। तो ट्रेन चालू होगी तो कैफ़े में भी जाके देखेंगे क्या मिलता है, क्या है क्या नहीं है, अपने लिए कुछ मिल रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। Ladies and gentlemen, welcome aboard. And at this moment, conductors will be coming through to scan for tickets. Once again, welcome aboard Amtrak Train 306, Lincoln Service. Here we go. तो भाई अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट में मालूम पड़ा कि कैफे चालू होने के बाद अनाउंसमेंट होएगा, तो तभी जाके देखेंगे कैफे में क्या मिल रहा है क्या नहीं। तब तक का अभी मालूम पड़ा है कि फ्री वाईफाई भी है, तो देखेंगे क्या स्पीड है क्या नहीं है। और ट्रेन तो फिलहाल स्लो ही चल रही है, आगे कुछ होएगा तो बता दो। तो पब्लिक ट्रेन चालू हो गई है, अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है। और यहाँ पर मैं ट्रेन भी ट्रैक कर रहा हूँ तो एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है कि 17 मिनट अर्ली। देखते हैं कब पहुँचेंगे। बैठे बैठे मैंने स्पीड टेस्ट भी किया हुआ। अभी स्पीड टेस्ट में तो इतना कुछ खास स्पीड नहीं बता रहा है, बट स्टिल रास्ता कट जाएगा। अभी थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखेंगे, फ़िलहाल तो भाई अननोन ब्लॉगर ये बंदे ने जो सही बोलूँ ना भाई काम कर रहा है ज़बरदस्त। सही बोलूँ तो मुंबई में जितने लोग रहते हैं, मैं बता दूँ मुंबई में जितने लोग रहते हैं नहीं रहते थे और अभी देवनार को मिस कर रहे, उन लोगों का असल साथी असल भाई बोलूँगा ना भाई सरफराज भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर जो लोग भी देवनार को मिस कर रहे हैं सरफराज भाई का वीडियोस रेगुलरली देखो, कुछ मिस नहीं करेंगे तुम लोग। लिटरली बोलता हूँ भाई मैं दिन में 1 से 1.5 घंटा ना भाई का वीडियोस रोज का सुबह शाम दोनों वीडियोस देख रहा हूँ और भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार। देवनार वो देखो वो बात तो है कि देवनार वाली फीलिंग नहीं आएगी, बट वर्चुअली भी सही, अभी भी देवनार की पूरी खबर है कि भाई किसका वाड़ा कहाँ है क्या है क्या नहीं है। और मेरे दोस्त लोग लिटरली मेरे रूममेट्स पागल हो गए हैं कि भाई मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू पागल हो गया, तेरे को मकने लोग इतना क्या पसंद है, ये क्या पसंद है। लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता भाई। तो सरफराज भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लोग हैं जो वीडियोज़ बना रहे हैं देवनार की, लेकिन जो अपडेट्स आप दे रहे हो कोई नहीं दे रहा है भाई। तो चलो अभी मैं सरफराज भाई का वीडियोस देख रहा हूँ, आप लोगों से बाद में मुलाकात होगी। तो पब्लिक ट्रेन जो है रुक गई है। अनाउंसमेंट अब भी हुआ है क्रॉसिंग का कि दूसरी ट्रेन क्रॉस होने वाली है। और ये देखो भाई वीडियोस तो चालू है कंटिन्यू, बकरी देख रहा हूँ भाई क्या करेंगे, बकरी की बहुत याद आ रही है। कोई नहीं भाई, YouTube जिंदाबाद। और कितना हो गया भाई, 6:51 हो गया। देखते कब तक पहुँचेंगे, भूख लग रही है अभी, थोड़ी देर बाद जाऊँगा कैफ़े में तो बता दो कैफ़े का क्या हाल है। तो भाई ये देखो यार ज़बरदस्त व्यू, पूरा रास्ता खेत ही खेत, खेत जहाँ तक नज़र जा रही है या तो खेत दिख रहा है या तो जंगल दिख रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ज़बरदस्त। ये क्या है रूम और कार्ड, क्या पता क्या है भाई। खैर अपन तो देख रहे हैं यहाँ पर बकरे। चलो जो लोग वीडियो देख रहे रहेंगे मेरे को पागल समझ रहे रहेंगे भाई ये क्या है इतना बकरे 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 कर रहे हैं। सही बोले तो भाई बहुत मिस कर रहे हैं बकरी मुंबई को,
चलो भाई, ये की गाड़ी चल रही है। रेस्टरूम दिखा रखा है, रेस्टरूम का एंट्रेंस ही इतना ज़बरदस्त है, क्या बोलूँ। ये लॉक बटन, ये लॉक दबाते ही भाई ये देखो इतना बड़ा वॉशरूम है, क्लीनलीनेस भी बोले तो ज़बरदस्त। ये देखो अच्छा खासा वॉशरूम है यार, ये चेंजिंग टेबल्स बच्चे लोगों के लिए अच्छा क्लीन है सही। लेकिन अपना कुछ काम नहीं है अभी पे, अपन जाएंगे और आगे, देखते और आगे क्या है, चलते रहो। तो ये पैंट्री बोल सकते हैं, कैफे बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। मेन्यू यहाँ पर लगा हुआ है, अल्कोहल भी है, चीज़ सैंडविच, योगर्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, देखते भाई अपने लायक क्या है यहाँ पर और फिर वो हिसाब से ले गए, बताता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स है मेरे ख्याल से, मैं फ्रूट ले लूँगा और या मफिन वगैरह लूँगा, देखते। तो भाई अपने हिसाब का ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ एक आलमंड का पैकेट लिया हूँ और एक योगर्ट लिया हूँ। अभी अपनी सीट पे जाके खाएंगे, नहीं तो सोच रहा हूँ यहीं पर डाइनिंग एरिया है वहीं पर खा लेंगे। लेट्स सी क्या है। मस्त व्यू जबरदस्त। तो भाई मैं वहाँ पेंट्री पे से डायरेक्ट अपनी सीट पर आ गया, मैं बोला यहीं बैठ के खाएंगे। आमंड्स लिया हूँ मैंने जैसे बताया और एक योगर्ट। भाई कुछ खाने को मिला नहीं वहाँ पर, आई डोंट नो हलाल है नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लिया नहीं। आमंड्स दिखे, वैसे ड्राई फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करेंगे भाई, जो मिल रहा है वो खाया सकते। तो अभी खाते खाते कुछ देखेंगे भी और देखते देखते खाएंगे भी। चलो मिलते हैं बाद में। मैं ये बोल रहा था कि बज गए हैं 8, डेलाइट तो है अभी भी अच्छी खासी, और बैठे बैठे मेरे को ये ख्याल आया कि भाई वाईफाई तो बहुत अच्छा चल रहा है, कॉलिंग पे देखते हैं कि भाई चलता है कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो फ्री वाईफाई होते हैं उस पर व्हाट्सएप का कॉलिंग वगैरह लगता नहीं है ज़्यादातर, तो देखते हैं। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते भाई है, मैं मेरे भाई को कॉल कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। रिंगिंग तो बता रहा है, उठा लिया तो अच्छा है भाई, चलो मतलब एटलीस्ट कॉल जा तो रहा है, देखते रिस्पॉन्स आता है नहीं आता है। पता नहीं, शायद बिजी होगा भाई, मतलब ये तो समझ गया कि भाई कॉल जा रहा है, वरना कोई कोई फ्री वाईफाई में ऐसा होता है कि सीधा ऑप्शन बताता है कि यू कांट मेक कॉल यूजिंग दिस वाईफाई। चलो ठीक है भाई, किसी और को कॉल लगाते हैं। ये लिंकन स्टेशन आ गया और कॉलिंग भी चल रही है अच्छी खासी। भाई पहुंच गया हूँ मैं शिकागो स्टेशन पर, लेकिन यहाँ का इंडिकेटर देखो भाई, ये अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहा है। February 7 वेनसडे, टाइम भी गलत, डेट भी गलत। चलो बॉडी उतरना चालू हो गई है, मैं भी उतरता हूँ। चलो भाई स्टेशन के बाहर निकल रहा हूँ अभी मैं, तो भाई यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है, ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है। लेट्स सी आगे क्या दिखता है। गाइस ये आ गए हम लोग यूनियन स्टेशन पर,
और कुछ तो प्राइवेट इवेंट चालू है अंदर, इसलिए बंद है स्टेशन पे ही। कुछ तो इवेंट चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ वीडियो यहीं पर एंड कर दूँ और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ जब दोस्त लोग से मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू करना।